Then students. क्वेश्चन नंबर थर्टीन ए की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन ए कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रियल गैस एंड एन आइडियल और परफेक्ट गैस व्हाट आर द डेविएशंस ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस तो स्टूडेंट्स इसमें आप क्या करेंगे कि आप हमने जो शॉर्ट आंसर्स में रियल गैस और आइडियल गैस के दरमियान डिफरेंस किया था वो आप चाहें तो एज इट इज़ लिख सकते हैं आप उसमें इक्वेशन पूरी लिख देंगे ताकि वो थोड़ी लॉन्ग की फॉर्म दे उसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप बताएंगे वट आर द डेविएशन ऑफ आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज यानी कि आपने डेविएशन बतानी है कि वो एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होती हैं उनको आप एक एक एक्साम के साथ डिस्कस करेंगे प्रेशर के लिए अलग है उस पैराग्राफ में और वॉल्यूम के लिए अलग है जो कि हमने डिस्कस भी की थी उसके अलावा स्टूडेंट्स आप फॉल्टी एजम्पन्स भी बताएंगे कि काइनेटिक मोलिकुलर थेरी की कौन सी हैं और एज अ रिजल्ट आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला जो ग्राफ है वो भी प्लॉट कर सकते हैं यानी कि आपको रीजन मिल जाएगी और आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन बी है वो डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द काजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर एक्सप्लेन दिस डेविएशन एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इसमें आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड वो पॉइंट्स डिस्कस कर देने हैं यानी कि लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर क्या क्या होता है और आप इसके लिए ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं जो कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को रिलेट कर रहा है सेम वही चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं